नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊँगा, और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान महावीर गुप्ता जी, आप पूर्व में विधायक, जिन विधानसभा के इलेक्शन आपने फाइट किया है, जेजेपी पार्टी के टिकट से आपने फाइट किया था, और वर्तमान में आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। महावीर गुप्ता जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, आप ऐसी शख्सियत के सुपुत्र हैं, स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी, जो पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, और जब हमने उनको नज़दीक से चीज़ें, उनसे चर्चाएं करी, ऐसे मंत्री जो अपने यात्रा के दौरान, उस यात्रा में वो पुस्तकों का अध्ययन करते थे, निरंतर अध्ययनरत रहते थे, और प्रयास रहता था कि वो अपने कार्यकाल में बेहतरीन सेवाएं समाज को, प्रदेश की लोगों को दे पाएँ, उस दिशा में निरंतर कार्यरत थे। अब दर्शकों, आपको जैसे पता है कि विधानसभा चुनाव के आगाज़ की तैयारियां हर पार्टी कर रही है, हम महावीर गुप्ता जी से जानना चाहेंगे, महावीर जी, किस प्रकार की तैयारियां और किस प्रकार की रणनीति आपने अपनाई है इस आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है। निश्चित तौर पर जब आंकड़ों की तरफ जाते हैं, आपने जेजेपी पार्टी के इलेक्शन जब टिकट आपको मिली, उस टिकट पर भी आपको बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छी एक फाइट दी, नेक टू नेक एक फाइट थी, तो क्या उम्मीद करते हैं महावीर गुप्ता जी कि किस प्रकार की तैयारियाँ हैं और उस रण में, विधानसभा के रण में उतरने की तैयारियाँ? जी महावीर जी, ऐसा है, राजनीति हमने बहुत साल हो गए जी नलके की राजनीति करते हुए, और इलेक्शन की तैयारी करना, इलेक्शन के लिए तो हम 24 घंटे तैयार ही रहते हैं, क्योंकि हमने जी नलके से बहुत इलेक्शन लड़ चुके हैं जी। मैंने भी इलेक्शन लड़ा है और मेरे पिताजी ने भी जी नलके से ही 8 चुनाव लड़े हैं जी। तो जी नलका हमारे लिए कोई नया नहीं है, गाँव हों या शहर हों, हर वार्ड के ऊपर, हर बूथ के ऊपर हर आदमी हमें जानता है, पहचानता है जी। हम भी तकरीबन हल्के के हर आदमी को, अपने साथी को अच्छी तरह पहचानते हैं जी। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव की तैयारी की बात है, हमारे पास ऑलरेडी हमारा मैनेजमेंट तैयार है जी। बूथ लेवल के ऊपर भी मेरा बूथ मैनेजमेंट का पूरा वर्क पूरा हर वक्त तैयार रहता है जी। और हम, क्योंकि हम हर वक्त लोगों के बीच में रहते हैं जी, हमने धरातल पर रहकर राजनीति की है जी। हम अभी ये नहीं है भाई इलेक्शन नज़दीक आ गया अब लोग एक्टिविटी शुरू कर देते हैं जी जी जी। हम तो हर वक्त पूरे 5 साल के अंदर, पिछला हमारा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं जी, किसी हलके में किसी से भी जाकर आप पूछेंगे, हम हर जाति में, हर धर्म में, क्योंकि हमारा जाति में धर्म से किसी में भेदभाव नहीं है जी, दुख में सुख में हमारा आना जाना लगा रहता है जी, हर वक्त हम लोगों के टच में रहते हैं जी। इसलिए हमें इलेक्शन लड़वाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, और ना ही हमें कोई ऐसा कुछ नयापन महसूस होता, हम तैयार रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी अब की बार मुझे मौका देगी जी, तो मैं पूरी फाइट देने के लिए तैयार हूँ जी। ठीक है, पिछला चुनाव मैंने लड़ा था जेजेपी से जी, वो एक संजोग ही कहूँगा जी, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी जितने चुनाव लड़े वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़े, और हमारी पार्टी शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ही रही है जी, चाहे हम चुनाव हारे या चुनाव जीते जी। राजनीति में असंभव कुछ नहीं, सब कुछ संभव है जी, इसलिए कई बार संजोग बन जाता है जी। और मैंने सडनली चुनाव लड़ना पड़ गया, कोई मेरा मूड नहीं था जी, और ना ही कभी हम इस पार्टी में थे जी, हमने तो सभी चुनाव इनके खिलाफ ही लड़े थे जी। और फिर भी मैं कहूँगा कि जींद हल्के के लोगों ने मेरा इतना साथ दिया जी, और मुझे सिर्फ 20 दिन का टाइम मिला था, और 20 दिन में ही मुझे 47,000 वोट दी, जो कि पिछले 8 चुनाव में भी नहीं मिली जी। तो लोगों का प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है जी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा सरप्राइज आपको लगेगा जी गुप्ता जी। 1972 से लेकर आज तक जींद में जितने भी चुनाव हुए हैं जी, चाहे वो आम चुनाव रहा, चाहे वो उपचुनाव रहा जी,
कभी कांग्रेस पार्टी ने सिवाय मांगेराम गुप्ता ने 3 बार कांग्रेस की सीट जीती है जी। उनके अलावा कांग्रेस ने जिसको भी टिकट दिया सब जमानतें जब्त हुई हैं जी। एक बार उपचुनाव के अंदर बड़ी मुश्किल से 500 वोट से जमानत बची थी जी। नहीं तो जमानत भी नहीं बचा पाए दूसरे उम्मीदवार जी, जी, जी। और जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उनके सिवाय आज तक कोई जीता हो जी। गुप्ता जी, जिस प्रकार से आंकड़ों सहित आपने बात रखी, बहुत बड़े आंकड़े आपने दिए कि आज अगर कांग्रेस पार्टी कोई टिकट किसी जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देनी है तो उस श्रेणी में आप सर्वोच्च पर नजर आते हैं। अगर जीतना है तो उस विषय को देखते हुए आप सर्वोच्च पर हैं। तो माननीय जो मांगेराम गुप्ता जी पूर्व मंत्री रहे, स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी, उनके साथ जो उनके सानिध्य में जो आपने समय व्यतीत किया, उनके नज़दीक रह के जो आपने राजनीति के गुर सीखे, उनका फायदा, कितना फायदा मिलने जा रहा है महावीर गुप्ता जी को? देखिए ऐसा है, जब भी हमारे पिताजी चुनाव लड़ते थे और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़े हैं, उनका कवरिंग कैंडिडेट भी मैं ही होता था जी, इलेक्शन इंचार्ज भी मैं ही होता था जी, और सारे इलेक्शन उनके मैं ही लड़ता था जी। शुरू से नॉमिनेशन फाइल करने से लेकर काउंटिंग एजेंट तक सारी जिम्मेवारी मैं ही संभालता था। और उन जब वो सत्ता में थे, वो जी मंत्री रहे 1981 में, वो लोकल बॉडी मंत्री रहे, 1991 से 96 तक वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे जी, जो 2007-8-9 में वो एजुकेशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे जी। तो उनकी अब्सेंस में जींद हलके का पूरा काम मैं ही देखता था जी। और मुझे जींद के हर कोने कोने का, हर आदमी के बारे में, गांव शहर के बारे में, हर वार्ड के बारे में, हर बूथ के बारे में जी पूरा पूरा नॉलेज है, पूरा पता है। उनके सानिध्य में सब मेरे तो धार्मिक भी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, सब कुछ मेरे तो वही है, वही थे उन्हीं गुरु जी। गुप्ता जी, क्योंकि कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाना, क्या कभी आप स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी ने कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से कभी थपकी लगाई थी कि महावीर गुप्ता भी कभी राजनेता बनेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और उन्होंने कोई ऐसा सपना कभी चर्चा आपके साथ, क्योंकि पिता पुत्र की अनेकों चर्चाएं होती हैं, तो अभी जैसे मैं आपसे चर्चा करूँ आप भावुक नजर आ रहे हैं उनको याद करते हुए, तो ऐसी कभी कोई वाक्य, कोई ऐसा दृष्टांत ऐसा नज़र आता हो, कभी पिताजी ने आपको आशीर्वाद दिया हो कि आप विजयी भव? देखो उनका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर आज भी बना हुआ है जी, और उनका आशीर्वाद तो मुझे हमेशा ही मिलता रहा है जी। और मेरा भी अपना एक स्वभाव रहा है, जब भी मैं घर से बाहर निकलता था जी, चाहे मुझे अपने बिजनेस के पर्पज के लिए जाना पड़ा या राजनीति करने के लिए या सामाजिक काम करने के लिए, मैं जब भी घर से बाहर निकलता था उनका आशीर्वाद लेकर ही निकलता था जी। बगैर उनके आशीर्वाद के मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला जी। अगर मैं जींस से बाहर हुआ तो तब भी मैं सुबह शाम टेलीफोन से उनका आशीर्वाद लेता था जी। उन्होंने कभी मेरे सामने कभी ये नहीं शो किया जी, एक आप राजनेता बनो, इलेक्शन लड़ो जी जी, क्योंकि वो चाहते थे परिवार में एक ही आदमी राजनीति करे जी, दूसरों को भी मौका मिले जी। और वो कहते थे भाई मेरे परिवार में मेरे से पहले राजनीति करने वाला कौन था, मैंने अपने संघर्ष के द्वारा अपनी जगह बनाई है जी, आप भी मेरे बाद अपनी जगह बनाना जी, लड़ना जब मैं छोड़ दूंगा राजनीति जी। तो उन्होंने 2012 में राजनीति छोड़ दी थी जी। 2014 का चुनाव हम नहीं लड़ पाए क्योंकि वो बीमार हो गए थे, एडमिट थे हॉस्पिटल में जी। 2019 का जब चुनाव आया तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी, लड़ो या ना लड़ो, मुझे मैंने राजनीति छोड़ दी है जी। जब मैं राजनीति छोड़ दूंगा जी, तब आप राजनीति करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन दोनों साथ साथ राजनीति नहीं करेंगे। क्या बात, उनकी अलग ही प्रकार की नीति, रणनीति और भावना थी। गुप्ता जी, जिस प्रकार से JJP की टिकट नज़दीक से आपके जीत आपके हाथों से फिसल गई, तो उस हार से कोई रणनीति, सबक कुछ ऐसा लिया कि भविष्य के चुनाव में किस प्रकार की रणनीति, कैसे इलेक्शन को, उस हार को जीत में तब्दील करना है, क्या निरंतर आप जनता के संपर्क में हैं, जो गांव हैं, वार्ड हैं शहर के, किस प्रकार की नई रणनीति के तहत, क्योंकि अब आप देख रहे हैं मार्केट में हर नेता टिकट की दावेदारी के लिए अपने अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन आप बड़े शांत मन
मन से, जो रणनीति आपकी है, आप बड़े कहीं कोई दिखावा कुछ नहीं, जो करना है उस काम को जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं। अभी मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए, चर्चा के लिए आया, तो मैंने देखा कि एक महिला अपनी बेटी के शादी के कार्ड निमंत्रण देने के लिए आपको आई, और आप खुद छत से उतरकर उसके नज़दीक गए, उनकी निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया, और जो आपने सेवा बनती है उस सेवा को आपने करने का प्रयास किया। ये जनता का जुड़ाव, मतलब किस प्रकार से आपको लगता है कि आपको जीत में परिवर्तित कर देगा, और भविष्य के 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या हम किसी भावी विधायक से बात कर रहे होंगे? ऐसा है, 2019 का जो चुनाव मैंने लड़ा, ठीक है, भला ही मैंने वो चुनाव जेजेपी पार्टी से लड़ा, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा ज़रूर थी। 2014 को में जब बाबूजी को ब्रेन स्ट्रोक आया जी, तो उसके बाद उनका स्वास्थ्य कुछ ढीला रहने लग गया था। मेरी अपनी एक इच्छा थी, अब मैं उनके रहते हुए एक इलेक्शन जरूर लड़ूं जी, उनके सानिध्य में अगर एक चुनाव में लड़ दूंगा जी, तो मुझे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे जी, या मुझे अपनी राजनीतिक पकड़ का पता लग जाएगा जी। तो ये कुछ परमात्मा का संयोग कहें या परमात्मा जो करवाता है अच्छा करवाता है जी। राजनीति में हार जीत लगी हुई है जी। देखो, एक चुनाव में एक एक हल्के से 20-20 आदमी चुनाव लड़ते हैं, जीतना तो एक को ही है जी, 19 तो हारेंगे ही जी। और हमारे पिताजी अक्सर एक बात कहते थे, भाई इलेक्शन में हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत हो जाए बड़ी अच्छी बात है जी, अगर हार भी हो तो वो सम्मानजनक हो। ऐसा है। नहीं है कि भाई आपको दो चार हजार वोट मिल गई तो उस राजनीति करने का कोई फायदा नहीं जी। तो हमने उस इस बात का बड़ा भारी सबक लिया जी, भी लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है जी, तो उससे हम आगे बढ़ने की तरफ हैं। हमारा एक धरातल पर जो हम राजनीति करते हैं, तो हमें भी अपना पता लग गया, अगर लोग हमें चाहते हैं, हमारी वर्किंग से खुश हैं, कोई नाराजगी लोगों में नहीं है जी। और जहाँ तक ये महिला के कार्ड की और उसकी बात है जी, हम तो कितना ही कोई गरीब से गरीब आदमी हो, किसी जाति से संबंध रखता हो, किसी धर्म से संबंध रखता हो, हम किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं जी। और जितने हमारे से मदद बन पड़ सकती है उतनी हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं जी। कोई शादी की बात नहीं, अगर कोई बीमार भी हो जी, तो हम तो कोशिश करते हैं भाई, तो उसको भी दवाई दिलवाई जा सके जी, उसका उसकी मरहम पट्टी करवाई जा सके जी। इसीलिए लोगों से हमारा जुड़ाव है जी, हमने हमेशा गरीब आदमी की मदद करने की कोशिश की है जी। राजनीति करते हैं जी, राजनीति करने का फायदा क्या है? हमने कभी अपना घर भरने के लिए राजनीति नहीं की, ठीक है, 50 साल की हमारे बाबूजी की राजनीति है जी। कभी हमने कोई फैक्ट्री लगाई नहीं, कोई पंप लगाया नहीं, कोई एजेंसी ली नहीं जी, किसी तरह का हमने कोई बड़ा काम नहीं किया जी। 1952 में दादाजी ने एक आड़त की दुकान की थी जी, वही चल रही है आज तक जी, उसी पे हम अपना गुजारा कर रहे हैं जी। वो तो यही कहते हैं भाई, ज़्यादा पैसा भी इंसान को तंग करता है, पैसा कमाने से कुछ नहीं होता जी। राजनीति में अगर आप नेता बनते हो, आपको सत्ता मिलती है जी, वो सत्ता देने वाली जनता है, जनता की वोटों से, जनता के सहयोग से बने हो जी, तो आपको चाहिए आप जनता की सेवा करो, ये नहीं है कि अपना घर भरो लूटो खाओ, ऐसा नहीं है जी। अगर आपने अगर दाव खेलना है, जो लोग दाव खेलते हैं जी, भाई कि फलां पार्टी के टिकट मिल गई, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, लूट लो खा लो जी, वो लोग नेता नहीं बनते, ना राजनेता बनते, ना कुछ बनते जी। अगर आपने राजनीति सही ढंग से करनी है तो जनता की सेवा करो, पब्लिक की सेवा करो, गरीब आदमी की मदद करो, चाहे एजुकेशन के बारे में हो, चाहे हेल्थ के बारे में हो जी, चाहे और किसी ज़रूरत के बारे में हो। और गरीब आदमी की जब तक आप मदद नहीं करोगे तो भगवान आपका साथ नहीं देगा जी। गुप्ता जी, आपने राजनीतिक शब्द के मायने समझा दिए, हमने भी एक राजनीतिक विशेषज्ञ से चर्चा कर रहे थे, हमने पूछा कि राजनीति विषय का मायने क्या है, तो उन राजनीतिक विशेषज्ञ ने बताया कि राजनीति जो है विषय है, उसका मीनिंग ये है, उसका अर्थ ये है कि समस्याओं के समाधान की कुंजी चाबी, उसको राजनीति कहते हैं। तो महावीर गुप्ता जी की नज़रों में राजनीति शब्द के मायने क्या है? देखो, हर आदमी का आकलन करने का अपना अपना ढंग है जी।
राजनीति जो है, जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीति में जितना योगदान राजनीति करने वाले का है जी, उससे कई गुना योगदान उस हलके के जनता का है, उनके वोटर्स का है जी। देखो, हमारा जो प्रजातंत्र का सिस्टम है उसमें क्या है, पब्लिक अपना काम करवाती है प्रशासन के माध्यम से जी, और प्रशासन के ऊपर कंट्रोल होता है शासन का जी, बहुत। और शासन करते हैं राजनीतिक लोग जी। अगर जनता, प्रशासन और शासन, ये तीन पहलू हैं राजनीति के जी। अगर जब जनता दुखी होती है तो जब वो प्रशासन के पास काम करवाने के लिए जाती है जी, प्रशासन अगर उसका काम नहीं करता तो वो अपने शासक के पास जी, जो शासन, जिसको शासक चला रहा है जी, जो जनता का प्रतिनिधि है जी, उसके पास जनता जाती है और उसके सामने अपना दुखड़ा रोती है जी, भाई फला अफसर, फला प्रशासनिक अफसर हमारे काम नहीं कर रहा जी। तो उस पर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है उसके ऊपर कंट्रोल करे, उसको समझाए, उसको बदलवाए, जिस तरीके से भी वो ठीक समझता है जी, उसको उस पर कंट्रोल करके जनता का काम करवाए। राजनीति तो हम इसको मानते हैं जी, राजनीति ये नहीं है, समस्याएं तो चलती रहेंगी जी, जी। आज दिल्ली के अंदर एक दिन में इतनी बारिश हो गई जी, 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया जी। अब ये समस्या नेचुरल है जी, इसी के बस की बात नहीं, प्राकृतिक आपदाएं हैं जी, चलती रहेंगी। आज एक सड़क बनवा दी जी, वो कब तक चलेगी, 5 साल में 10 साल में टूटेगी जी, ये कोई नहीं है जी। जी, राजनीतिक आदमी का सही मायने में जनता की सेवा करने का एक मतलब एक तरीका होता है, उसका फर्ज बनता है जी। मैं कहता हूँ हम इस सोच के आदमी हैं भाई, अगर सरकार में काम करने का आपको मौका मिलता है जी, तो सबसे बड़ी समस्या आज लोगों के सामने, युवाओं के सामने रोजगार की है जी। अगर सरकार में हमें काम करने का मौका मिला जी, तो हम सबसे पहले सरकार के सामने आवाज़ उठाएंगे भाई, जो हमारे हलके के युवा बेरोजगार हैं उनको रोज़गार दो जी, जी। सबसे भयंकर समस्या है ये जी, क्योंकि अगर उनको रोज़गार नहीं मिला तो युवा अपने रास्ते से भटक जाएगा जी, नशे की तरफ चला जाएगा, गुंडागर्दी की तरफ चला जाएगा और गलत कामों में फंस जाएगा जी। तो सबसे बड़ी हमारे ये है कि उनको रोज़गार मिले जी। गुप्ता जी, जींद की राजनीति में अनेकों मंत्री रहे, अनेकों मंत्री, अनेकों सरकारें आई, जींद की जनता का जो दर्द है वो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ और उसका समाधान के रूप में भी आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जींद के लोग कहते हैं इतने मंत्री रहने के बाद भी कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा जींद के विकास में अड़चन के रूप में आम जनता को देखने को मिला। जितनी प्रगति जींद की होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से तीन तीन मंत्री होते थे जींद की धरती से, वो उतना विकास, उतनी इंडस्ट्री नहीं आ पाई, उस विषय पर क्या रणनीति रहेगी भविष्य के? भावी विधायक महावीर गुप्ता जी यदि इलेक्शन जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलती है, तो किस प्रकार की रणनीति रहेगी? रोजगार की आपने बात कह दी, लेकिन वो रोजगार भी तो सरकारी रोजगार जितने हैं उतने हैं, उसके अलावा प्राइवेट रोजगार कैसे क्रिएट किए जाएँ, उस इंडस्ट्रीज को कैसे सेटअप किया जाए? सरकार ने तो इंडस्ट्रियल हब घोषणा की थी लेकिन वो आज तक लागू नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं, तो क्या रणनीति है महावीर गुप्ता जी की? देखिए, ऐसा है, ये समस्या तो आपको खाली जींद में नहीं जी, बहुत से जिलों में मिलेगी जहां बहुत बड़े बड़े मंत्री रहे हैं जी। देखिए, सबसे बड़ा रोल मैं ये समझता हूं मुख्यमंत्री का होता है जी, और बहुत बड़े उद्योग लाने के लिए सेंटर की बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें आती हैं जी, जिसमें रूलिंग पार्टी का जो हमारा मेंबर पार्लियामेंट होता है जी, ये उसकी ड्यूटी बनती है जी। और हम देखते हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो है, किसी ने भी जींद हलके के लिए ही नहीं जी, जो भी मेंबर पार्लियामेंट बनता है वो उस हलके के लिए अगर सेंटर से चाहे तो बहुत बड़ा उद्योग लगवा सकता है। ठीक है, स्टेट के उद्योग इतने बड़े नहीं होते जितने सेंटर के होते हैं जी, क्योंकि उद्योग लगने से हजारों लोगों को रोज़गार मिलता है और इलाके की तरक्की होती है जी, तो वो बहुत बड़ी ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है जी। स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, मंत्री का दायरा बहुत सीमित होता है जी,
मंत्री को जो पावर्स होती हैं वो सारी सीएम के माध्यम से होती हैं जी, और मुख्यमंत्री कभी हिसार के, कभी सिरसा के, कभी भिवानी, कभी रोहतक जी, हमारे जींद इलाके का या उत्तरी हरियाणा का कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा। जब तक यहाँ अगर पावर जब तक नहीं होगी तब तक बड़े बड़े उद्योग कैसे लगेंगे जी। और दूसरा कारण जींद का ये रहा, जींद के अंदर लैंड की बड़ी शॉर्टेज है जी, लेकिन अब जींद का दायरा बढ़ गया है जी। अब इंडस्ट्रियल हब की जहाँ तक बात है, अब हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हैं जी, वो इस चीज़ के लिए बात उठा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है, हमारे जो सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं जो अभी मेंबर पार्लियामेंट बने हैं जी, उन्होंने भी हमारे हुड्डा जी के सामने आवाज़ उठाई है जी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी अब जींद के अंदर हम इंडस्ट्रियल माल टाउन एक बनवाएंगे, और सरकार में मौका अगर हमें काम करने का मौका मिलता है तो जींद को हम इंडस्ट्रियल हब जरूर बनाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए जी। महावीर जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हरियाणा ने, कांग्रेस ने कम बैक किया है, क्या नज़र आता है, क्योंकि आप राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके घर से मंत्री रहे हैं, तो राजनीति की बारीकियां और सारी चीज़ें आपने चर्चा के दौरान हर उस बिंदु को आपने आम जनता के लिए क्लियर किया है, उसको आम जनता तक पहुंचाया है, किस प्रकार से राजनीति क्या है, राजनीति के मायने क्या हैं, कैसे लोगों के काम होते हैं, कैसे समस्याओं का समाधान होता है, तो मतलब क्या नज़र आता है विधानसभा चुनाव में, किस प्रकार की बयार आपको, कुछ बदलाव की बयार नजर आ रही है हरियाणा में? देखो, हरियाणा में तो बदलाव 100% होगा, क्योंकि 10 साल से जो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, लोग उससे बहुत दुखी हैं, उब चुके हैं। कई कारण हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे बड़ा कारण रोजगार का है जी। दूसरा कारण क्या है, आप जाके हॉस्पिटल्स के अंदर जाके देखो, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जी। अब लोगों की हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो वो कैसे चलेंगे लोग जी। बड़ी ये, दूसरा ये है, एक की जो पोर्टल सिस्टम ही सरकार ने चलाया है जी, प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम चला दिया, फैमिली आईडी का सिस्टम चला दिया, इससे लोग इतने परेशान हो गए, जी। हर वक्त लाइन में लगे रहते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर वक्त। आपको एक छोटा सा एग्जांपल कोट करता हूँ जी। अब लोकल बॉडी महकमा है हमारे हरियाणा का जी, जिसके अंदर ये म्यूनसिपल कमेटी जाती हैं जी, इन्होंने कंपनी को प्रॉपर्टी आईडी के लिए सर्वे का ठेका दे दिया जी, और उसने सारा सर्वे गलत कर दिया, सरकार ने उसको पेमेंट भी कर दी जी, और उसकी पेमेंट करने के बाद फिर उसको जब देखा भाई इसमें खामियां हैं, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जी। अब ब्लैक लिस्ट करने के बाद पता नहीं सरकार ने पेमेंट वापस ली या नहीं ली, वो सरकार का अपना काम है जी। लेकिन हम ये कहते हैं भाई, जब सरकार मान रही है भाई उस कंपनी ने गलत सर्वे किया है और उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो उस प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए लोग धक्के क्यों खा रहे हैं, क्यों लाइनों में लगे हुए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, औरतें भी जी। जाते हैं, आज पोर्टल काम नहीं कर रहा, आज ठीक कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, प्रॉपर्टी ओनर का क्या कसूर है इसके अंदर? अगर कसूर उस कंपनी का है, सजा दो उस कंपनी को, दो जी। उसके सर्वे को रद्द करो, दूसरी कंपनी सर्वे करवाओ जी। लोगों को क्यों तंग कर रखा है इस बात को लेकर? अब इसी तरह फैमिली आईडी है, कहते हैं कंप्यूटर में चढ़ गई। अरे क्या हो गया, कंप्यूटर की आदमी का बनाया हुआ कंप्यूटर भी आदमी चला रहे हैं, आदमी का बनाया हुआ है, ऑपरेट भी इसको आदमी कर रहे हैं जी। इस किसान दुखी हैं जी, किसी की जमीन किसी के नाम चढ़ गई जी, अब फसलों की पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही जी, गन्ने की पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही, पोर्टल काम नहीं कर रहा जी, आज वो क्या बोलते हैं वेबसाइट क्रैश हो गई है आज ही। अरे इसमें उपभोक्ता का, इसमें किसान का, आम आदमी का क्या कसूर है जी? अगर वेबसाइट आपकी काम नहीं कर रही तो आम आदमी क्यों पीछे, ठीक कराओ उसको जी। लोगों को लाइन में लगा रखा है जी। अब ये 5-5 किलो राशन वाली बात है, 5 किलो राशन कितने का आता है? 100-150 रुपए का जी। सुबह से शाम तक औरतें बच्चे लाइन में लगे धूप में खड़े रहते हैं। ये समय गुप्ता जी हमने देखा था, 95 के आसपास का समय होता था जब मिट्टी के तेल के लिए लाइनें लगती देखी थी, लेकिन दोबारा से लाइनें राशन के लिए लाइनें लगती देखना, क्या मतलब देश विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहा है? ये तो कोई उसके सिंबल नहीं है कि विकासशील से विकसित व्यक्ति लाइनों में लगे।
देखो जो 95 की उस टाइम की आप बात कर रहे हो, कैरोसिन ऑयल के लिए लाइन लगती थी, उस वक्त ये चीज़ें इसेंशियल कम्युनिटी में आती थी जी। अब वो जमाना चला गया, अब तो कैरोसिन ऑयल से मुक्त है हरियाणा जी, हरियाणा का पूरा देश, अब तो गैस के सिलेंडर आ गए जी, PNG आ गई, अब उन चीज़ों की जरूरत नहीं है जी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इसेंशियल कम्युनिटी में आती है, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, बहुत ज़रूरी है, उसके लिए तो अगर लाइन में लगे भी शॉर्टेज है जी, तब तो माननी जा सकती है बात भाई, इसकी चीज़ की शॉर्टेज है, हमारे देश में है नहीं जी, हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं जी, इसलिए थोड़ी मात्रा में आती है, थोड़ा थोड़ा करके बांटते हैं जी। हमारे देश के अंदर तो पर्याप्त मात्रा में अनाज है, फिर इतनी लंबी लंबी लाइन क्यों जी। आज हम देखते हैं गोदामों में अनाज सड़ रहा है जी, उसको मतलब ना जानवर तक खा रहे हैं, उसके थोड़े बदबू मार रहा है जी आज, और फिर ये लोग लाइन में इस तरह लगा रखे हैं जी। तो ये शायद गरीबी का मजाक है, देखो कुछ भी कह सकते हैं इसको। अब ये देश को कहते हैं हम विकसित करेंगे, देश को डेवलप कंट्री में हमारा इंडिया का नाम आएगा, इस तरह तो नहीं आएगा जी। इस तरह लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े रहेंगे तो कभी भी नहीं आएगा इस तरह तो जी। गुप्ता जी, अगर कांग्रेस पार्टी आपको जींद की कांग्रेस की टिकट आपको देती है, जीत का मार्जिन क्या होगा? उसके अलावा जैसे आज आप ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों के कार्यक्रम में भी आप मौजूद रहे, क्या 3 ऐसे काम होंगे जिसको प्रायोरिटी पर आप लेकर चलेंगे, जिनको आप सरकार में अगर मौका मिला तो बतौर मंत्रिमंडल सदस्य के रूप में या बतौर विधायक जीत का मार्जिन रहने वाला है? देखो जीत का मार्जिन तो जनता तय करेगी। मैं तो यही सोच रहा हूँ, जो मैंने सर्वे किया है, जो लोगों के बीच में रहकर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरा मार्जिन सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा जींद के जी। मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है। और जहाँ तक OPS की बात है, ये मेरा काम करने के उसमें नहीं है जी, ये उनका राइट है जी। पेंशन जो है कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा है। अब मान लो आज एक कर्मचारी रिटायर हो गया, किसी के मान लो लड़कियां हैं, उसकी शादी कर दी चली गई जी, या किसी के पास इशू लेस है, बच्चे नहीं है, कहाँ जाएगा वो? कहाँ से कहाँ बुढ़ापे में वो काम करने से रहा, पेंशन ही सहारा है कर्मचारी का तो जी। तो पेंशन को तो मैं उनका अधिकार समझता हूँ और वो सरकार को करना चाहिए, सरकार का फर्ज बनता है जी। जहाँ तक हमारे कामों का सवाल है जी, मैं तो ये चाहता हूँ सबसे बड़ा काम तो सब रोजगार का है जी, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, सबसे जरूरी काम मैं ये समझता हूँ जी। दूसरा मैं जरूरी काम ये समझता हूँ, व्यापारी जो है जी, व्यापारी के लिए आज बहुत बड़ी भयंकर समस्या आ रही है। मैं खुद व्यापारी हूँ जी, मैं व्यापारी की समस्या को समझ सकता हूँ। आज व्यापारी की दुकान के अंदर मान लो 200 सर्किट से फायर हो जाती है, उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है जी, उसकी भरपाई कैसे हो? वो बर्बाद हो जाता है, 20-30 साल में दो तीन पीढ़ियाँ खप जाती हैं उसको स्टैंड होने के लिए जी। और फिर एकदम शॉर्ट सर्किट से या किसी बैड एलिमेंट्स के द्वारा फायर कर दी जाती है जी, वो बर्बाद हो जाता है जी। तो सरकार से हम अपील करेंगे, हमारा काम होगा भाई सरकार ना व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाए जी, और इंस्पेक्टरी राज को भी हम ख़त्म करने के लिए सरकार से गुहार करेंगे जी। और तीसरा हमारा ये होगा, जो ये पोर्टल की समस्या है जी, ये बड़ी भयंकर समस्या है, लोग इससे बहुत दुखी हैं। जिस पोर्टल पर लोगों को सुविधा मिलती है वो तो चले ठीक है जी, और जिससे लोग दुखी हैं उसको भी हम समाप्त करवाने का सरकार से काम करवाएंगे जी। महावीर गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर महावीर गुप्ता जी के पास उनके पिताजी के, जो पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनके अनुभव का फ़ायदा, और व्यक्तिगत तौर पर महावीर गुप्ता जी का जो जिस प्रकार से आम जनता से मिलना जुलना, और जिस प्रकार का इन्होंने अपना विजन और जो लक्ष्य आम जनता की समस्याओं के समाधान के
लिए जो निर्णय और जो विचार इनके मन में है, निश्चित तौर पर जनता के पाले में वो गेंद है। जनता विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, सब योग्य उम्मीदवार जिससे आपके हितों की रक्षा होती हो, ऐसे उम्मीदवारों को आप वोट दीजिए निश्चित तौर पर। और उससे पहले काम पार्टी संगठन का है, जिताऊ उम्मीदवार, हर कोई पार्टी जिताने के लिए अपने उम्मीदवार उतारती है, निश्चित तौर पर जिताऊ और जो सशक्त उम्मीदवार है उसको पार्टी टिकट दे तो निश्चित तौर पर पार्टी की विजयश्री, और पार्टी की जब विजयश्री होती है तो निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन और सत्ताएं सरकार में अपना हित और जनता का हित सुरक्षित रखती हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।